ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शहर के पौश इलाके में शिव विहार कॉलोनी की एक महिला के घर का बिजली का बिल 34,19,53,25,000 रुपए आया तो महिला के घर वाले परेशान हो गए। अरबों में बिजली बिल देखकर महिला और उसके पति की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि महिला के परिजनों ने जब बिजली ऑफिस में इसकी शिकायत की तो बिजली कंपनी ने बिल संशोधित करके महज 1300 रुपए का बिल जो है वो दे दिया, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। पूरे मामले में बिजली कंपनी के महाप्रबंधन का कहना यह है कि ये मानवीय भूल है और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आपका बिजली का बिल 3,419,53,25,293 रुपए है, जिसे देखकर वो घबरा गई और अचानक से उनका थोड़ा सा बीपी हाई हो गया और मेरे ससुर जी जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो भी वहीं पे थे, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। चूँकि वो हार्ट के मरीज हैं तो वो भी घबरा गए। तो उस समय क्या हुआ, मुझे लगा कि शायद ये उन्होंने शायद देख नहीं पाया होगा, तो मैंने उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उसको ऑनलाइन जाके चेक किया बिजली विभाग की साइट पर MPCZ पर, तो वहाँ पर यही रकम हमको शो करी गई। रीडिंग लेकर उसको एक फाइल बनाकर अपलोड कर दिया जाता है सिस्टम में। उसको करते समय KPO ने जो सर्विस कनेक्शन नंबर है वो खपत में डाल दिया, उस कॉलम में डाल दिया। इस कारण सॉफ्टवेयर ने उस सर्विस कनेक्शन नंबर को खपत की तरह पढ़ के बिल जारी कर दिए। इस पर तुरंत जैसे संज्ञान में आया उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हुए सारे बिल सही कर दिए गए और KPO को पद से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया तथा जो ये असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर है उसको निलंबित किया गया। कोई गलती हुई है उसको तत्काल सुधारा गया, ये नहीं कहा आपने? नहीं तो इसके लिए कुछ निर्देश तत्काल सुधारा गया, ये भी तो आप देखिए कार्रवाई भी की जा रही है, और क्या चाहिए। तो महज 1300 रुपए ही था बिजली का बिल, लेकिन अरबों में बिजली का बिल जो है वो थमा दिया, जिसके बाद वहां पर बिजली का बिल देखकर तबीयत पति पत्नी की बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती उनको कराना पड़ा।